पंजाबी बोलने नहीं आती थी, मैंने पंजाबी सीखी है तो जब मैं सबसे अच्छा क्या लगता पंजाबी में बोलने में? गाली छोड़ गए माना मैंने शो अनफिल्टर्ड है। इसने कहा कि सॉरी एक मिनट वेट कर, मैं तेरे को कोको से मिलाती हूँ। लेकिन भाई अंदर से आई और एक बड़ी सी गन लेके आई। मैंने कहा शायद इनके यहाँ रिचुअल है, बड़ी वाली कोई पिस्टल थी भाई, एयर गन राइफल। अच्छा वन थिंग आई डोंट फॉरगेट, एक बार ना मैं पकड़ी गई थी मतलब किसी लड़के के चक्कर में, मैं पकड़ी गई। चलो सही है, सेगमेंट जो है वो खत्म करते हैं। कैसा लगा तुम्हें? सही था मतलब? अच्छा लगा। कैमरा बंद होगा? नहीं नहीं कैमरा थोड़ी बंद होगा, कैमरा जब तक हम बोलेंगे नहीं बंद कैसे होगा? तो गाइस इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो को आपने काफी ज्यादा प्यार दिया बट मैंने वहां देखना था तो मैं यहां देख के स्टार्ट करूंगा। सो गाइस आज के एपिसोड में आपका, आज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। कनेक्टिंग यू को इतना प्यार देने की लास्ट वीडियो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी अच्छी होगी, लेकिन आपका प्यार बरकरार है इसलिए आज हम फिर से एक बेहतरीन को लेके आए हैं। मेन गेस्ट नए गेस्ट को लेके आए हैं जिनका नाम है जम्मू की अपनी श्रुति। तालियां। तो आयुष श्रुति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन मॉडल हैं, बताया म्यूजिक वीडियोस जो हैं इन्होंने मेरे को लग रहा हजारों कर चुकी हैं, इनको भी खुद याद नहीं है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं फिल्मों की तरफ। फिल्मों में ओके, थैंक यू जोडी, थैंक यू सो मच। प्लीज आयुष अपना पहला सवाल है जो इन पे फेंकी। सबसे पहले तो यही कि कब से शुरुआत की है आपने मॉडलिंग की? मैं रोकूंगा बीच में, मॉडलिंग की शुरुआत नहीं क्योंकि अच्छा। खूबसूरत तो ये बचपन से थी राइट, दिख रहा है। ये कब लगा कि हाँ यार एक दिन ऐसे सुबह उठी और देखा कि भाई हाँ मॉडलिंग स्टार्ट की, मैं तो मॉडल बनूंगी, मैं नहीं कर रही कुछ। तो मैं अपनी मॉम के साथ ना लाइक व्हेन आई वाज थर्ड फोर्थ में, सो मिस इंडिया का पेजेंट होता था ना, कलर्स टीवी समथिंग, तो मैं मम्मा के साथ बैठ के बड़ा देखती थी। तो बैक इन माय हेड मुझे था यार कितना सही लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो देन आई वाज इन 10th और मुझे तो बड़ा बड़ा शौक चढ़ा था कि यार मैं भी कुछ करूँ, पढ़ाई मुझे हो नहीं रही। हाँ ठीक है यार खूबसूरत पैदा हुआ और पढ़ाई से छुटकारा, पढ़ाई से छुटकारा। सो देन उसके बाद लाइक देयर वाज दिस मिस टीन इंडिया का पेजेंट, उसका ना आई वाज ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, तो उसकी एडवर्टीजमेंट उधर आई। तो आई वाज लाइक यार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो 10th में थी तो मम्मा से बात की, मम्मी क्या है, मम्मी कहती है पहले 80% से ऊपर ले आओ, आ जाते तो कर लो। सही है भाई, खूबसूरत होने का एक और फायदा है। हमारे हमारे वाले पेरेंट्स कहते हैं कि भाई पहले 12th करो, इंजीनियरिंग करो, फिर बाद में देखो क्या कर लिया, फिर बाल सफेद हो जाते हैं, फिर डाई करो। सो देन उसके बाद लाइक फिर रिजल्ट आया 80% से ऊपर आ गए, तो मम्मी ने खूबसूरती के साथ इंटेलिजेंस, ब्यूटी विद ब्रेन्स ब्रो, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, मतलब हसीन दिमाग। बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो देन उसके बाद लाइक मॉम ने बोला, पूछा मुझसे कि तेरा पेजेंट नहीं था वो, अब तूने करना नहीं है, तो कर सकते पता नहीं, और मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं होता। सो देन मैंने फॉर्म फिल किया, आई गेव द ऑडिशन इन दिल्ली, गॉट सिलेक्टेड, I went to जयपुर, वहाँ पर देखा लाइक 30-35 गर्ल्स हर जगह से, लाइक फ्रॉम दिल्ली जयपुर कहाँ कहाँ से आई हुई थी, आई डोंट नो। सो इट वॉज लाइक आई वॉज देयर फॉर 7 days, एवरी डे वी वर गोइंग थ्रू अ डिफरेंट राउंड एंड वन डे यू आर गोइंग आउटसाइड मीटिंग पीपल, लाइक हो जैसे मिस इंडिया का पेजेंट होता है, इट वॉज जस्ट लाइक दैट मिस इंडिया लाइट। What are you doing here? Go there. So then, उसके बाद I did that. I was crowned as Miss Teen JNK. क्या बात है? हाँ, I remember. Then I interviewed you. Yeah, he was the first guest. I was the first. Recognized. Oh yeah. Yeah. Okay. Shruti, Shruti. So उसके बाद yeah. Then उसके बाद I met few people. Obviously, you meet a lot of people. You get links and all. So फिर I did my first music video. It was a Himachali song. Okay. And it was a very so it was your first song, it was my first song. मुझे पता नहीं था, और मैं ना पूरा एक्टेड आउट, अब नाउ दैट्स लाइक लिप सिंक करके कर लो, पहले मैं पूरा बोलती थी सब करती थी कि डायरेक्टर को गुस्सा ना चढ़ जाए ना हो जाए। सो या बट इट्स बीन अ प्रीटी गुड जर्नी। तो आपने कितनी मूवीज में काम किया अभी तक? अभी तक आई हैव डन वन फिल्म, वो आ चुकी है या अभी आने वाली है? सपोज टू रिलीज नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। कौन सी मूवी? नेक्स्ट ईयर नहीं, मंथ, नेक्स्ट मंथ। बता सकते हो कौन सी मूवी है अभी? इट्स अ पंजाबी फिल्म सरेंडर। ओके, सो अभी लेट्स सी, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बाकी थिएटर बाकी जब आ जाएगी तब मैं कुछ थोड़ा बाकी इंस्टाग्राम पे
he's also into the Punjabi film industry. So yeah, I mean, it was a good experience. It was a very good experience. It's just the house mein ka bolu. Nahi ab 3 minute ka gana aur 3 ghante ki film. कितना difference रहता है क्योंकि यार बहुत अभी like when you're shooting for a song it's done in like एक दिन में या max two days ठीक है when you are shooting for a film it's like a whole procedure of at least a month yeah. you're there for 1 month you meet all sort of people set पे तो मेरे को लगता है ना जाके भी 50-60 लोग तो होंगे ही होंगे नहीं it's नए लोग जिंदगी में 50 लोग भाई ने नहीं बोला नहीं जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता हमने भी फिल्में बनाई नहीं फिल्म का तो इट्स वेरी डिफरेंट सॉन्ग में इट्स लाइक यू जस्ट डूइंग दैट लिप सिंक अगर कोई फीचरिंग वाला सॉन्ग है या समथिंग लाइक दैट फिल्म में इट्स लाइक यू हैव टू स्पीक एक तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी मैंने पंजाबी सीखी है तो जब मैं सबसे अच्छा क्या लगता है पंजाबी में बोलने में गाली छोड़ गए माना मैंने शो अनफिल्टर्ड है तो मेरे को पंजाबी नहीं तो जब भी उन्होंने स्क्रिप्ट लानी ना तो एक एक मेरे को शब्द सिखा के उसका इजी निकाल के फिर अच्छा फिर मैं से हां हां ठीक है भाई आई यूज्ड टू रिपीट इट इन माय माइंड तो आप गाने गाते हो कि नहीं मैं छोड़ दो गाने मैंने छोड़ दिए नहीं मेरे को लगा नहीं कभी ट्राई किया कि यार अब फिल्म में तो होगी अब यार मैंने ट्राई किया था क्यों मेरे पापा को पता नहीं क्या हो गया था तो यूज लाइक नहीं तू सिंगर बन मैं ऐसे देखो ऐसा थोड़ी ना कोई पिक्चर ना करना सिंगर बन जाता अच्छा पापा की आपने बात करी अब जब रिश्तेदार पूछते हैं आपके पेरेंट्स से तो हाउ वुड योर पेरेंट्स डिस्क्राइब कि हमारी बेटी ये करती है भाई वो अभी भी बेइज्जती करते हैं यार वो तो चलो उनका धर्म से अधिकार है ना उनका जो अधिकार है वो अभी भी नहीं मतलब कभी मेरे को मैं भी कभी कभी सोचती हूं मम्मी क्या अभी क्या इतनी मेरे को मेरी मम्मी इतनी मोटी बोलती है यार पहले तो पतली हो जा फिर देखेंगे अभी कहीं नहीं अभी नीचे रहो नीचे रहो तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहा था जब आपने ये इट वाज मॉम डैड भैया सबसे पहले तो इट वाज भैया भैया ने बोला कि नहीं करने दो क्योंकि ही वाज द एल्डर वन ठीक है उस पे सारे एक्सपेरिमेंट हुए हुए मुझे एक्सपेरिमेंट से बचाया सो ही वाज लाइक नहीं ये इसको जो करने दो जो करना है ठीक है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ गोला मारिए कर ले वो कर ले सो ही वाज द वन who took my stand and then it was mama phir papa to dheere dheere kya baat hai to jab bhi but parents ka support hona artistic fields mein koi bhi field ho bahut zyada hai lekin isme zyada rehta hai kyunki ek to manana hota ki yaar main ye kar raha hu ab hum bole ki apne parents ko ki bhai humne actor banna hai to pehle se chapet padi to banate the ko actor to tumhara aise koi childhood koi encounter hai wo bachpan mein मॉम डैड के साथ जब तुमने कुछ याद हो तुम्हें कोई ऐसी मेमोरी कुछ भी ऐसे थप्पड़ पड़ गई है कुछ भी यार ऐसे ही मतलब कोई भी मेमोरेबल मोमेंट हां मार तो चलो पड़ी लेकिन बहुत पड़ी है यार वो तो चलो पड़ी लेकिन कोई ऐसी मेमोरी हो जो याद हो अभी तक रिकॉल करती हो तुम अल्टरनेट डेज पे याद आया था तुम्हें याद आया था कि भाई नाइटमेयर हां नाइटमेयर वंस इन अ ब्लू मून ऐसा कुछ हुआ हो मेरी वन थिंग आई डोंट फॉरगेट एक बार ही मैं पकड़ी गई थी मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तो मतलब समझ ही नहीं था तो वो तब क्या तो मैं घर पहुंची तो मेरी मदर का ना फिफ्थ में थी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं पता था बट पकड़ी गई वो भी बहुत बड़ी चीज थी तो हुआ क्या कि मेरी मदर के पर्टिकुलर फेशियल एक्सप्रेशन होते जब भी मैं घर आती थी ना तो इफ शी इज इन एंगर तो मैं गई तो मैं घर पहुंची और मम्मी ने ना उधर बैठी है उन्होंने ना बड़ी चिल्ड में मैंने टीवी ऑन किया टीवी ऑन किया उधर चैट्स मेरा फेसबुक अकाउंट है टीवी में चैट्स क्या नजारा होगा और उसने उधर आई लाइक यू दिस उस वक्त आई लाइक यू वगैरह उसने लिखा था यहां उसने लिखा था और मैंने ना हार्ट में बचपन का प्यार सो देन उसके बाद जो कितने बच्चों ने आपको फोन मिल गया था यार हमें तो मेरे कॉल तक नहीं मिला मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं था ब्रो पीसी कंप्यूटर पे फेसबुक खुल जाता था ना मेरे को वो भी 8th के बाद ही मिला था ये फिर बचपन से भाई ग्रूम लाइक एन एक्ट्रेस नो हां वैसे ही था उसके बाद से मैंने घर पर चीजें छुपाना बंद कर दी कुछ भी होता था सबसे पहले जाके मम्मी को पापा को कि बच जाऊं मारना पड़े अच्छा अगर आप एक्ट्रेस नहीं बनी मतलब मैं जस्ट एक वो लेके चल रहा हूँ कि अगर आप एक्ट्रेस नहीं बनती हो मतलब करियर नहीं चला पाती हो तो अगर मतलब सिंपली अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती बीए कर रही होती अभी लाइक बीए एलएलबी सब वही कर रही होती और क्या ठीक है मान लो कि ये लॉयर होती लेकिन इसका ध्यान जो है वो फिल्मों की तरफ है फिल्मों की तरफ तो आगे कोई जज के सामने तुम कर चल खड़ी और कोई केस चल रहा था क्या नजारा मैं दिखाती हूं कि कोर्ट ऐसा होता है वो वैसा होता नहीं है तो
क्या नजारा क्या होता सोचो तुम, मेरा नजारा तो तुम्हारा ध्यान फिल्मों की तरफ होता, फिल्मों की तरफ तो मैंने पूरा ना ऐसे एंट्री मार के कि हाँ जी जज साहब मेरी बात बोला एडवोकेटशिप श्रुति को बुलाया जाए, पे लॉ पे है या मॉडलिंग पे, इट्स माय वर्क राइट नाउ, इट्स वर्क मॉडलिंग या फिल्म एक्टिंग मॉडलिंग या तो यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, कहाँ देखती हो अपने आप को अब जो आने वाले 4-5 साल है, अगर अर्थक्वेक नहीं आया तो जस्ट टेकिंग इट एज ना कि प्रोबेबली कुछ हो ना, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो आपने कभी वो सोचा मिस इंडिया या यूनिवर्स वर्ल्ड वो सब करने का? वो तो भाई बचपन में कर दिया इसने, बचपन में कर दिया। अच्छा वो आप करके छोड़ चुके जो अभी लोग सोच रहे होते हैं इस टाइम पे? और कोई गूगल पे क्वेश्चन में? गूगल पे क्वेश्चन नहीं देख रहा, वर्ल्ड चाइल्ड। अच्छा स्कूल में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? गूगल से निकाला मैंने, फिर पढ़ाई से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वैसे वैसे पढ़ाई में मन लगता था तुम्हारा स्कूल में? नहीं यार, नहीं मतलब लगता था कुछ तो हुआ कि हाँ यार कि टाइम पास तो करना ही पड़ता ना, फिर पीएचई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था। पीएचई में क्या ही होता था, तभी तो अच्छा लगता था यार, कुछ करना नहीं था उसमें। इंग्लिश वाज गुड, पीएचई वाज गुड, बाकी तो मैं सर के पूछे जाते थे। मैथ मैथ हमारा यही हाल है, बड़ा मेरे को मम्मी ने मार मार के पढ़ाया। मैं सर बच्चों को बोलूंगी क्योंकि बोलते हैं ना मम्मी मारती को, मेरे को इतनी मार पड़, मेरे को आज भी थप्पड़ पड़ जाते हैं। मैं सेट पे होती हूँ, इफ आई एम नॉट लाइक लिसनिंग टू समथिंग ना, एक सेकंड वैनिटी में आना करनी है। अच्छा माता वहाँ पे भी बुला लेती है? अरे मॉम डैड देयर विद मी ऑल द टाइम, शॉट में हर शूट में देयर विद मी, वो छोटे बट जरूरी है ना, मेरे को लगता है मॉम डैड का साथ होना और सपोर्ट करना। मेरे लिए इज लाइक एवरीबॉडी इज लाइक यार तू जाती है हर टाइम, तू चंडीगढ़ में होती है, मैं मम्मी पापा के साथ जाती हूं, वहीं से उनके साथ उठ के वापस आती हूं, फिर जाती हूं फिर उठ के आती हूं। इट्स लाइक ए फैमिली ट्रिप टू बाली, छुट्टियां मना रही है भाई, डूइंग एम वर्किंग। सही सही सही। अच्छा श्रुति इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है? मेरे को एक्सट्रोवर्ट ही दिख रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट नहीं, वो पता नहीं ना यार, स्प्लिट पर्सनालिटी पे होते हैं काफी लोग। मेरे को लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से दिस, व्हेन आई एम अलोन ना मैं बड़े गुस्से में रहती हूं, लाइक मैं दिखती बड़े गुस्से में, बट वंस यू टॉक टू मी भयंकर गुस्सा। ये स्टार्टिंग में मुझे लगा जब आप बैठे हुए थे अभी ऑफ स्टेज, मैंने बात ही नहीं की भाई आप भाई बुलाऊं कैसे, मेरे को डिस्कस भी करने की वेट कर रहा था कब आप आओगे। जब मैं जिम जाती हूं ना तो एवरीबॉडी इज लाइक यार ये मार देगी डंबल। अच्छा ये मतलब वो है कि शी इज like she adjusts according to places, no? Gym जा रही है introvert है, cafe जा रही है extrovert है। Gym में भी introvert नहीं। अच्छा आज क्या हो, introvert extrovert? अभी extrovert बन गया, extrovert बन के आई है, introvert घर पे छोड़ा है। introvert घर पे छोड़ा। अच्छा parallelly काम चलाना उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद अपना time, me time भी एक नाम की चीज होती है यार, उसे निकालना कितना कितनी दिक्कत रहती है यार एक actress के लिए। I'm not gonna lie, मैं अभी being very honest मेरा पढ़ाई पे अभी इतना focus नहीं है, मैं खुले फिर तुम्हें पता यार बनना, मैंने एक्टर ये पढ़ के क्या फायदा, कोर्ट तो मैंने जाना नहीं है। बैठ के सोचते लेके मैं कॉलेज में क्या भी हो रहा होगा मुझे पता नहीं, मेरी फ्रेंड के कली वाले तेरे को पता क्यों हुआ यार, मैंने तेरे को 5 मिनट में फोन किया था, मैंने कहा बिजी हूं मेरा पता नहीं, तो आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए जाते हो, ऑल्दो दैट्स अ रॉन्ग थिंग, या That's a wrong thing, but तो फिर भी एग्जाम्स के लिए पढ़ने का टाइम कब निकालते हो आप? यार मैं बड़ी खराब हूँ, मैं इतनी बेशरम हूँ ना, मतलब जब एग्जाम्स होते हैं ना मेरे को एक हफ्ते पहले पता है पढ़ लेंगे, फिर जब थोड़ी देर दो एक रात पहले फिर मैं अच्छा फिर मैं गूगल खोल के समरी पढ़नी कुछ पढ़ना में है, फिर मैं मुझे प्लीज 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 कल कुछ हो जाए, आग लग जाए कुछ लग जाए। अच्छा इंडस्ट्री की कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको आप एडमायर करती हो और चाहती हो कि यार इसका जैसा करियर था मैंने भी अपना करियर जो है वो वैसा बनाना है, कोई है सर? आई लव नीरू बाजवा मैम, आई लव हर, शी इज सो ब्यूटीफुल, मतलब मेरे को है कि या फाइंड, आई वुड लव टू फॉलो हर फुटस्टेप्स, शी इज अमेजिंग, शी इज। कमरे में कोई फोटो लगाई हुई उनकी? नहीं, ऑल्दो आई डू हैव अ विजन बोर्ड मेरे रूम, मूड बोर्ड, हमारी तो सुबह सुबह गाली बढ़ती है, कोई मोटिवेशन नहीं है जिंदगी में, चली जा रहा बस। अच्छा नॉर्मली हमारा तो लाइफ स्टाइल जो रोज का स्टीरियोटाइप रहता है ना सबका जैसे चल रहा है, एक एक्ट्रेस का एक मॉडल का जो लाइफस्टाइल होता है पूरा दिन जो होता है वो कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है? सर मेरे लिए इट्स डिफरेंट, व्हेन आई एम इन जम्मू आई एम ऑब्वियसली विद माय फैमिली, अब मेरा जो बेसिक रूटीन है दैट गेटिंग अप गोइंग टू द जिम वो तो वो चीज़ है ही है, तो इन जम्मू मेरी रूटीन है आई गेट अप आई गो टू द जिम आई कम बैक मम्मी की गालियाँ मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठना, देन आई हैव द सेट टाइम लाइक 4-5 बजे के अराउंड आई गो टू द गुरुद्वारे आई प्ले विद द चिल्ड्रन, हां देखा मैंने स्टोरीज में तुम्हारी, हां सो आई प्ले विद द चिल्ड्रन, दैट्स लाइक एवरीडे स्टोरी इफ आई एम इन जम्मू, देन आई कम बैक, फिर अगर इफ आई हैव टू गो समवेयर और समथिंग या कोई आई हैव अ मीटिंग और सम ऑडिशन टू शूट या कुछ काम वगैरह
I do that. But if I'm in Chandigarh, फिर तो मेरे को फुर्सत नहीं है. फिर तो अभी shoot, 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 shoot. आओ, उठ सुबह उठो, like the call time is around 6-7. It depends on the shoot. But काफी hectic रहता है यार. अच्छा shoot से ये आया कि इन्होंने बताया था मेरे को starting में कि आप गोलियां चलाने का बहुत शौक है. उसके बाद अपनी guns में भाई जब पहला shoot करने गया हूँ और guns रखी है आपने. My father is having a gun. He is into gun business. No? Achha. So, yeah. I have this one air gun. Usko I have called Coco. Coco. Haan, I remember bro. Coco. When I shot that pehla wala interview, no, to interview khatam hua aur ye andar gayi. और इसने कहा कि सॉरी एक मिनट वेट कर, मैं तेरे को कोको से मिलाती हूँ. अब तू सोच कि डॉगी हुई. वही कह रहा हूँ कि अगर नॉर्मली एक बंदी कह रही कि तू वेट कर, मैं कोको लेके आती हूँ, तो तू क्या सोचेगा कि क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या आएगा भाई? मेरे कुत्ता आएगा, कुत्ता आएगा ज्यादा से ज्यादा. हाँ, अगर तू किसी बड़े शहर में होगा तो शेर, बिल्ली या फिर कोई हैमस्टर वगैरह आ सकता है, डिपेंड करता है. लेकिन भाई ये अंदर से आई और एक बड़ी सी गन लेके आई. मैंने कहा शायद इनके यहाँ रिचुअल है. बड़ी वाली कोई पिस्टल थी भाई, एयर गन राइफल. अच्छा. और मैं तो डर गया कि भाई मेरे जमीन निकल, मेरे को लगा कि यार इंटरव्यू अच्छा इनके मारने आगे इनके यहाँ पे कोई रिचुअल है, क्योंकि इनके गार्ड को पता था आमरी है इनकी. अरे आई एम सो, मतलब जो कैमरा पे स्टूडेंट है, फिर मेरे को लाइक आई लाइक, मतलब आपने मतलब चलाई है बोर्ड पे, तो चलाई होगी. हां, मैंने चलाई भी है, मैंने प्रोफेशनली सीखी भी है. और ये बना एक दिन बना भी रही थी, आई बना रही थी, कुछ कर रही थी. हां, वो मैं पापा के साथ फैक्ट्री, आई वाज, मैं फैक्ट्री में थी तब पापा के साथ. सो गया तब लेकिन बना के चलाना कस्टमाइज कर रही है हर बंदे के लिए. कस्टमाइज आई डोंट नो, लेट्स सी, पता नहीं. या बट आई थिंक दैट्स पापा'स प्लान, कहीं ना कहीं समवेयर. मैं बाथरूम में भी ना गाऊं, कहीं नहीं गाऊं. खाना बनाना आता मेरे को, ये भी बैकअप प्लान है ना. चलो कल को कुछ भी हो, शादी कर लो. है कोई बॉयफ्रेंड इस टाइम? नहीं नहीं, क्या नहीं यार, यार एक गलत बात, बॉयफ्रेंड तो भाई क्या है, नॉर्मल चीज है. नहीं मेरा था पर ब्रोकअप. या it was very heartbreaking. होना चाहिए कोई पार्टनर होना चाहिए कि सपोर्टिव है ना एंड ऑफ द डे, जिससे तुम यार या या एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अ पार्टनर, फ्रेंड्स होने चाहिए, लाइक सपोर्टिव, नॉट अ लॉट बट एट लीस्ट वन टू हु कैन, जो भाई तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड हो सही. अच्छा, मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है यार एक आर्टिस्ट के लिए? एंड नॉट जस्ट फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एवरीबॉडी. आई थिंक मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग थिंग एंड यू शुड टॉक अबाउट इट. आई डोंट थिंक सो कि यू शुड हाइड समथिंग अबाउट इट. लाइक मॉडर्न हाइप्ड अप वर्ड बना रखा है, पीपल आर हैप्पीली डिप्रेस्ड. किसी को सच्ची में प्रॉब्लम होगी ना बिकॉज ऑफ ऑल दिस हाइप के लिए अटेंशन, तो भी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, उनको भी लगे कि वो भी हाइप के लिए कर रहे हैं, तो वो भी इग्नोर कर दिए जाएंगे. बट समथिंग दैट आई बिलीव लाइक कि ये मेरी मॉम ने मेरे अंदर डाला, बिकॉज माय मदर हैज she has faced all these things. Jitna you can stay down, jitna you can be more meditative, meditation and all that, because I follow a religious path of very meditation wala path too much. So I try ki matlab obviously when you are in the industry you go through a lot of things, you see a lot of things, especially when you are young. Obviously itna to hai nahi. No, you started at a younger age. No, I started when I was 15. So मेरे लिए चीजें, व्हेन आई वाज एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, व्हेन आई वाज सीइंग थिंग्स, वो बड़ी न्यू थी. मतलब जब लाइक कभी डर लगता था कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, रोना निकल जाता था, ये वो. अच्छा, डर की तुमने बात करी यार, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, किस चीज से तुम्हें डर लगता है? कुत्ता मत बोलियो वरना मैं हंस दूंगा. लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक लेजिट फियर, लाइक फोबिक और समथिंग. लेजिट फोबिक? हां, पानी ना बोलियो, हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स. आई एम अ ट्राइपोफोबिक. मुझे यू कांट ट्राई स्काई डाइविंग. क्या देख के? होल्स देख के कुछ होता नहीं. होल्स देख के अच्छा कुछ. अब मैं बकेट लिस्ट की बात करूंगा, क्योंकि पिछली बार हमने बकेट लिस्ट की बात करी थी. तुम्हारी बकेट लिस्ट में पहले तो मैं कि व्हिच इज योर फेवरेट कंट्री टू विजिट, तुमने सोचा होगी यार मैंने इस देश में जाना है. आई वांट टू गो टू स्पेन. स्पेन भैया वाज इन स्पेन आई थिंक पिछले साल, एंड ही वाज टेलिंग मी ओह माय गॉड श्रुति ये जगह, ओह माय गॉड श्रुति ये प्लेस, दिस प्लेस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. वैसे तब से वाज लाइक कि कहीं जाऊं ना जाऊं, स्पेन तो जाना, इतना क्यों ओह माय गॉड वाला निकलता है उधर. सो यस, स्पेन इज वन ऑफ द
अच्छा कल को अगर आयुष तुम्हें $1 million दे दे तो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे तो कहाँ स्पेंड करोगे कैसे स्पेंड कर सेंड कर दे मैं सपोज क्या कि अच्छा तुम्हें कहाँ स्पेंड करूँगी क्या क्या लोगी अगर ये देंगे हाँ, तो मैं शॉपिंग पे भाई कर शॉपिंग सारा शॉपिंग पे सब कुछ लड़कियों को बहुत शॉपिंग शॉपिंग का मैं सब कुछ खरीदूं भाई शॉपिंग की बात करें उसके वार्डरोब पे आऊंगा कि लड़कियों ना वार्डरोब बहुत बहुत ज्यादा भाई हमारे पास क्या है वही टी शर्ट एक बार सीधी पहन ली एक बार उल्टी पहन ली सही है वहां से इशारा आ गया कि भाई 5 मिनट बचे तो बस 2 क्वेश्चन दाग सकते हैं बड़े बड़े अब एक तू दाग ले मैं दागूंगा भाई तुम कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है कुछ नहीं आप कुछ हमसे पूछना चाहते कुछ आप पूछना चाहते आप पूछ लो आपको बाल कैसे लगे मेरे ये अभी ये आइडिया तो नवंबर दिसंबर से चल रहा था लेकिन अभी स्टार्ट फाइनली फरवरी में किया हमने दैट्स एन अमेजिंग आइडिया क्योंकि हम तो एक सीधा नहीं बैठे वहां से बार बार बोल रहे हैं ये काट रहा नहीं है काट रहे हैं ये बैठा बंदा रखा मैंने सही है तुम्हें सपोर्ट करना वही अभी तक पांच दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड नो इट्स अमेजिंग या गुड इनिशिएटिव वेरी गुड थैंक यू पार्टी देने पार्टी ही वांट्स पार्टी ऑल द टाइम नहीं ये सही जाना है मेरे को पता स्प्रेड अच्छा होना है ज्यादा ज्यादा कुछ संदेश बच्चों के लिए जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं मॉडलिंग में आना चाहते हैं कोई लड़की नॉट इवन मॉडलिंग नॉट इवन एनी कुछ आर्टिस्टिक करना चाहते हैं अच्छा करना चाहते हैं प्रोफेशन यू चूज जस्ट हैव अ विजन एंड वर्क फॉर इट दैट्स इट इफ इट्स हियर इट्स गोना स्टार्ट शोइंग अप इन योर रियलिटी दैट्स इट मतलब द लीव मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी आज मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं ओह माय गॉड मैं देख रही कहीं पे कह रहे कि अगर यूनिवर्स इन्होंने की थी इंग्लिश मैंने की थी अच्छा मेरा इफ द यूनिवर्स पुट अ ड्रीम है कैमरे की तरफ देख के बोलूंगा इफ द यूनिवर्स पुट अ ड्रीम इन योर हार्ट आगे चलेगी इट हैज एवरी इंटेंशन फॉर यू टू मेक इट हैपन है ना ऐसा कुछ मैनिफेस्ट आजकल मैनिफेस्ट भी काफी वो जो है हाइप्ड अप चल रहा है भाई स्टाइल्स डेड में इट्स नॉट हाइप बट अभी तक मेरे को ये रियलिटी मैंने कहा गानों में मैनिफेस्ट इतना चल गया कि भाई मेरे को अभी तक पता नहीं मैनिफेस्ट बेसिकली होता क्या है सो इट्स नथिंग बट इट्स लाइक ऑल हियर अच्छा एंड यू नीड टू स्टॉप यूजिंग दैट हाथ भी गन्स की तरह निकल रहे हैं भाई इसके हाथ ये खाती है ऐसे डूइंग दैट विक्टिम मेंटालिटी वाला होता है ना आई मेरे साथ ये हो गया सी इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग नेगेटिव थॉट्स You're gonna see negativity. Okay. You start portraying yourself in a very positive image, in a positive scenario. अगर तुम positive चीजें manifest करो तो positive होगा. I have manifested my career, so. Okay, हम भी manifest. I'm gonna manifest. Start manifesting from. You manifest everything in your life. That's for sure. अच्छा मैं समझ चुकी हूँ. अच्छा ऐसा है? Yeah. Whatever you want, work for it, work hard for it, have a vision for it, be positive about it. क्या बात है तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रोग्राम सेगमेंट जो है वो खत्म करते हैं कैसा लगा तुम्हें I love it. Amazing. सही था मतलब अच्छा लगा कैमरा बंद हो गया नहीं नहीं कैमरा थोड़ी बंद होगा कैमरा जब तक हम बोलेंगे नहीं बंद कैसे होगा ये डालना क्या पूछ रही है भाई कैमरा बंद हो गया yeah, इसके बाद ये इंट्रोवर्ट हो जाएगी ना कैमरा बंद होते ही सही चलो ठीक है शुक्रिया तुम्हारा हमारा इनवाइट अगली बार नया गेस्ट थोड़ी भाई लेके आएंगे कोशिश रहेगी कोई आए तो बुलाएंगे बिल्कुल थैंक यू थैंक यू तो आज काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर श्रुति तो उम्मीद रहेगी कि हम नेक्स्ट एपिसोड में भी कोई ऐसे मजेदार गेस्ट को लेके आए तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ थैंक यू कट